नाम है इंडस। इधर से हम लोग को ये नाम आया था कि ये इस एरिया का नाम होगा इंडिया, बाद में ये इंडिया नाम आया है। अब जो इन लोग ने बीच में जो वेद रहते थे ना, अब मैं उसकी बात करता हूँ क्या हुआ था। सो एट दिस टाइम जो वेद थे, ऋग्वेद पहला जो वेद था, सबसे पुराना वो था ऋग्वेद, यजुर्वेद उसके बाद आया था। तो अब ऋग्वेद एक सेपरेट वेद में था, मतलब एक सेपरेट उसका क्लास ही अलग था, क्योंकि वो था सबसे पहला वेद, आर्यन का सबसे पहला ही बुक था। इन लोग ने सबसे पहली, इन लोग की सबसे पहली किताब थी। ये लोग बहुत ज़्यादा इसको रिलीजियस और सेक्रेट मानते थे, मतलब उन लोग को ये मानना था कि भगवान की बुक है। हम लोग इस वक्त भगवान का लिखेंगे। अब इधर से लोग ने अपना सारे जो मंत्र थे, 1028 जो मंत्र थे, वो सब इन लोग ने ऋग्वेद में लिखा। तो अब ये जो ऋग्वेद है ना, अब इसमें इन लोग ये बहुत ज़्यादा ऐसे प्रैक्टिस करते रहे। अब सोशल लाइफ में क्या था उन लोग का, सोशल जो नहीं, जो वो कहते हैं जो वो रहता है कास्ट सिस्टम, तो ब्राह्मण उस समय से टॉप पर थे। लेकिन ये भी था कि जो नीचे ब्राह्मण के नीचे थे वो कोई और चीज़ में जा सकते, और जो ब्राह्मण भी थे वो भी कोई और चीज़ में जा सकते थे। ये जो था ना ब्राह्मण ब्राह्मणी रहेगा, और वो सब चीज़ें बाद में हुआ, जो कहते हैं लेटर वैदिक एज, तो मैं उसके बाद में बात करूँ, तो वो सब चीज़ें बाद में शुरू हुआ। और उस समय क्या रहता था, दो ग्रुप रहते थे राजा के, एक रहते थे दरबारी और एक और सेट रहते थे दरबारी के, वो लोग मेन पावर रहते थे। जो एक और जो नॉर्मल रॉयल दरबारी थे, वो सब क्या करते थे, हम लोग का कहता था, वो लोग कुछ नहीं करते थे, बस किंग को एडवाइस देते थे। लेकिन जो मेन दरबार था वो था जो रैंडम पीपल, मतलब वो लोग भी हाई क्लास पर एजुकेटेड लोग जो है ब्राह्मण टाइप, तो उन लोग का सब था, तो वो उन लोग का ग्रुप। ये लोग डिसाइड करते जो नहीं, लोकसभा जो कहते हैं आजकल, तो वो लोग लोकसभा थे। और जो दूसरे वाले थे वो थे राज्यसभा। तो पहले उनको क्या बोलते थे, अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो वैसे था लोकसभा राज्यसभा थे। और उस समय किंग भी कोई ज्यादा पावर में नहीं रहता था, जो राज्य जो मैं लोकसभा की बात कर रहा ना, ये लोग पावर रहते थे, क्योंकि ये लोग ये डिसाइड करते थे राजा कौन है राजा कौन नहीं होगा, ये लोग ये सब डिसाइड करते थे। तो वही तो अभी भी होता है, अभी भी होता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि वैदिक जो लेटर वैदिक एज जो कहते हैं ना, उसमें ही खत्म हो गया था, वो खत्म हो गया था ये इसका ट्रेडिशन। और उस समय फीमेल को एक वैसे गॉडेस जैसे मानते थे, मतलब पहले से उन लोग को ये मानते थे कि ये लोग देवी के वो है, हाँ देवी के इंकारनेशन के, देवी आए इन लोग में, तो ये सब मान के चलते थे उस समय के आर्यन। तो ये लोग मीटिंग ऐसे सभा में जा सकते थे, ये लोग अपना कुछ भी कर सकते थे। तो उन लोगों ने तो ब्राह्मण बनना है वो लोग ब्राह्मण बन सकते हैं, उन लोगों ने तो वॉरियर बनना है तो वॉरियर बन सकते हैं। और जो दास कहते हैं ना दास, वो इसलिए था कि जो लोग मतलब ऐसा रिचुअल नहीं करते थे, मतलब तो कोई दास होते थे, हाँ जो दास वो इसलिए था, इंडो आर्यन ने इसलिए किया था कि जो लोग मतलब तो एक आदमी मरता है तो उन लोग के लिए एक ऐसी चीज़ बनाते थे, इसका नाम था मेगालिथ। मेगा मतलब बिग, लिथ मतलब पत्थर, ये लोग बड़े पत्थर से नहीं एक ऐसा पैलेस टाइप बनाते थे मोस्ट पीपल, लेकिन ये लोग ये करते नहीं थे, तो उन लोग को कहते थे दास। अच्छा, अभी वो सब नहीं थे जो किसी को छू नहीं सकते, जो वो बाद में आया, ये लोग कुछ भी कर सकते थे, ये लोग वैसे ही थे जैसे सब लोग और थे, जैसे हम लोग सब लोग, हाँ वो लोग कुछ, उन लोग के पास सेम चीज था जो हम लोग कर सकते हैं उस समय, ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं था, बस एक था कि वो लोग ये सब रिचुअल नहीं करते, ये सब बाद में हुआ, हाँ बस वो चीज था, तो ये बस एक रूल था। और मोस्ट दास ये लोग ये फॉलो करते थे, उन लोग का एक सेपरेट रिलीजन रहता था, ये लोग ये चीज फॉलो करते, लेकिन थे ये हिंदुत्व। अच्छा, उस समय क्योंकि हिंदुत्व उस आर्यन में ज्यादा था, ये था ही था। और तब आया, तब जब ऋग्वेद के बाद मतलब कुछ जो, और जो वो नहीं रहता
25 ईयर्स के बाद ये होगा, 25 ईयर्स के बाद ये होगा, ये सब कुछ उस समय था नहीं। लेकिन ये था 4 बजे से पहले उठना है, ये टाइम पर सोना है, ये सब रहता था। अच्छा। लेकिन ये इतना स्ट्रिक्ट नहीं रहता था कास्ट सिस्टम और ये सब। उम्र का देगा, उम्र का ऑप्शनल रहता था, लेकिन जो स्कूल रहता था, स्कूलिंग और मैरिज, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। उस समय स्ट्रिक्ट था, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब स्ट्रिक्ट था।